नाउ टॉकिंग अबाउट द 10th जुलाई इनसाइट्स डेली करंट अफेयर्स, 6 टॉपिक्स हैं हमारे पास. फर्स्ट इज मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट्स, सेकंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, थर्ड WHO डिक्लेयर श्रीलंका मालदीव्स मीजल्स फ्री, फोर्थ US विड्रॉल फ्रॉम WHO, फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया एंड द मालाबार एक्सरसाइज, सिक्स्थ रेवा सोलर प्रोजेक्ट. Mongolian Kanjur manuscripts is covered under GS paper 1. This is under the Indian culture. We'll cover the salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times. Ministry of Culture ne recently ek project ke andar 108 volumes Mongolian Kanjur ke National Mission for Manuscripts ke andar reprint kiye hain. Ab pehle jo set hai 5 volumes ka wo release kiya ja chuka hai. Mongolian Kanjur kya hota hai? मंगोलियन लैंग्वेज के अंदर कंजूर का मतलब होता है कंसाइज ऑर्डर्स. बेसिकली जो लॉर्ड बुद्धा के वर्ड्स थे उनकी बात की जा रही है. इनको बहुत हाई वैल्यू दी जाती है मंगोलियन बुद्धिस्ट के द्वारा. वो इनको वर्शिप भी करते हैं टेंपल के अंदर, और इनमें जो लाइनें लिखी होती हैं उनको डेली लाइफ के अंदर एज अ सेक्रेट रिचुअल रिसाइट भी करते हैं. मंगोलियन कंजूर को तिब्बतन से ट्रांसलेट किया गया था. जो लैंग्वेज है कंजूर की वो क्लासिकल मंगोलियन है. अगर हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, तो जो हिस्टोरिकल इंटरेक्शन थी इंडिया और मंगोलिया की वो बहुत सेंचुरीज यानी कि सैकड़ों सालों पहले से है. बुद्धिज्म जो था मंगोलिया गया था इंडियन कल्चर के थ्रू, रिलीजियस एम्बेसडर्स लेके गए थे अर्ली क्रिश्चियन एरा के अंदर. आज के रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, आज के डे की बात करते हैं, तो बुद्धिस्ट सिंगल लार्जेस्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन है मंगोलिया की. इंडिया ने अपने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस मंगोलिया के साथ 1955 में एस्टेब्लिश किए थे. Now talking about the National Mission for Manuscripts, NMM. NMM was launched in February 2003 by the Government of India. This comes under Ministry of Tourism and Culture. It has definitely a mandate on documenting, conserving and disseminating the knowledge that is preserved in manuscripts. और बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के पास कुछ 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो कि अगर हम बोलते तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास. ये वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन भी है. इसमें बहुत सारी थीम्स हैं. टेक्सचर्स की बात करते हैं, एस्थेटिक्स की बात करते हैं. एस्थेटिक्स का मतलब होता है खूबसूरती की बात करना, ठीक है. तो स्क्रिप्ट हो गई, लैंग्वेजेस होगी, कैलीग्राफीज होंगी, इल्यूमिनेशन हो गई, इलस्ट्रेशन हो गए. तो NMM के बारे में जाना जरूरी. ये टॉपिक प्योरली प्रीलिम्स स्पेसिफिक है. मंगोलिया कहाँ है? चाइना और रशिया के बीच में है. When was NMM launched? Its objectives done. Mongolian Kanjur meaning and significance done. Diplomatic relations between India and Mongolia एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं. And then various Buddhist mudras and hand gestures and their meaning. These two things we need to check. इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस दिसंबर 1955 से स्टार्ट किए थे मंगोलिया के साथ. ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर मंगोलिया के साथ इंडिया पहला कंट्री था ये इस तरह के रिलेशन सेटअप करने वाला. तब से लेकर अभी तक बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई हैं म्यूचुअल फ्रेंडशिप को लेकर, और कॉपरेशन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच, स्पेशली 1973, 1994, 2001, 2004 की अगर बात करते हैं. मंगोलिया इंडिया का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने का जो कैंडिडेचर है उसको बहुत सपोर्ट करता है, और इंडिया सपोर्ट करता है कि मंगोलिया का फुल मेंबरशिप मिल जाए नॉन अलाइन मूवमेंट की. अकॉर्डिंग टू 2010 गैलप पोल, 26% मंगोलियंस ने अप्रूव किया था इंडियन लीडरशिप को, जिसने और 9% ने डिसअप्रूव किया था. 66% अनसर्टेन थे. दिसंबर 2016 में मंगोलिया ने फाइनेंशियल हेल्प के लिए बात की थी इंडिया से, जब उनके जो कंट्री के बॉर्डर थे उनको चाइना ने ब्लॉक कर दिया था. और बिल्कुल रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो मंगोलिया के कुछ रीजन्स के अंदर बुबोनिक प्लेग के बारे में बात की गई थी. हम लोगों ने बीते कुछ न्यूज़ में पढ़ा भी था. टॉकिंग अबाउट सर्टेन मुद्राज ऑफ बुद्धिज़्म, एक होती है अभय मुद्रा, ठीक है. राइट हैंड को आप रेज करते हो शोल्डर हाइट तक, आर्म को बेंड करते हो, पाम आपका फेस करता है आउटवर्ड की तरफ, फिंगर जो होती हैं अपराइट होती हैं, जॉइन करती है लेफ्ट हैंड को और नीचे की तरफ झुकते हुए. जो राइट हैंड होता है वो रेज होता है, इसको बोलते हैं जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस, निडर होके. ये प्रोटेक्शन को, पीस, बेनेवलेंस एंड डिस्पेलिंग ऑफ फियर, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. लेफ्ट हैंड की अगर बात करते हैं सेकंड मीनिंग होता है ओवरकमिंग फियर. इसका मतलब होता है दैट दिस इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द फर्स्ट वन ओनली, जो रेज राइट हैंड था उसी के तरीके से. और इस मुद्रा को आप खड़े होकर या बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो. देन कम्स अ ध्यान मुद्रा, इसको मेडिटेटिंग बुद्धा भी बोलते हैं. इसके अंदर बुद्धा को डिपिक्ट किया जाता है कि दोनों जो हैंड होते हैं उनके लैप में, उनकी गोद में होते हैं, ऊपर की तरफ खुले होते हैं, आसमान की तरफ हथेलियाँ खुली होती हैं, लेग्स क्रॉस होते हैं, या तो डबल लोटस पोज होता है, ठीक है, या फिर जो होता है सिंगल लोटस पोज होता है. इसको बोलते हैं हिंदी में अर्ध पद्मासन और पूर्ण पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन. पद्मासन का मतलब होता है फुल लोटस, और डबल लोटस भी बोल सकते हो इसको, और अर्ध पद्मासन को बोलते हैं सिंगल लोटस. और दिस पोज इज ऑल्सो नोन एज अमिताभ बुद्ध, विच मीन्स बाउंडलेस लाइट. भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि मतलब धरती, स्पर्श मीन्स टच, कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द अर्थ टचिंग बुद्धा.
इसमें जो बुद्धा हैं वो मेडिटेशन में बैठे होते हैं, उनका जो लेफ्ट हैंड होता है उसका पाम जो होता है अपराइट होता है और वो राइट साइड वो लैप में होता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो होता है वो लैप में होता है, राइट हैंड जो होता है वो अर्थ को टच कर रहा होता है, पाम जो होता है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होता है। इसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि बुद्धा इज़ आस्किंग द पृथ्वी द देवी ऑफ द अर्थ दैट शी विटनेस्ड हिज एनलाइटनमेंट। देन देयर कम्स अ निर्वाण बुद्धा द रिक्लाइनिंग बुद्धा, दिस स्टैचू डिपिक्ट्स द हिस्टोरिकल बुद्धा इन द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। दिस वॉज द पोज, दिस वॉज द पोस्चर इन विच बुद्धा डिड, उन्होंने जो महापरिनिर्वाण अचीव किया था, जिन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ दिया था, जो प्रॉपर उनका लिबरेशन हुआ था वो इस मुद्रा में ही हुआ था। एंड मेडिसिन बुद्धा की अगर बात करते हैं तो वरद मुद्रा, दिस द मेडिसिन बुद्धा इज डिपिक्टेड इन पेंटिंग्स, उनके ब्लू स्किन होती है, बट वेदर शोन इन स्टैचू और पेंटेड फॉर्म, जो राइट हैंड होता है वो फेसिंग डाउनवर्ड्स होता है, फिंगर्स होती हैं एक्सटेंडेड होती हैंगी टुवर्ड्स द ग्राउंड, पाम जो है वो आउटवर्ड की तरफ खुला होता है, और जो एक बॉल ऑफ हर्ब्स एक जो प्याला होता है उसमें जड़ी बूटियाँ होती है वो उनके लेफ्ट हैंड में होता है। दिस इज जेस्चर ऑफ चैरिटी एंड कंपैशन। देन वी हैव वितर्क मुद्रा, दिस स्टैचू सिग्निफाइज विजडम अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग द डेस्टिनी। बोथ हैंड्स दोनों के दोनों छाती के लेवल पर होते हैं, थंब और इंडेक्स जो होता है वो सर्कल होकर एक चिन मुद्रा बनाते हैं, बेसिकली इसको चिन मुद्रा बोलते हैं। राइट हैंड जो होता है वो पाम के अंदर की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है वो पाम आउट की तरफ होता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज कवर्ड अंडर GS पेपर 2। टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रिलेटेड इशूज RPA। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था क्रिमिनलाइजेशन ऑन पॉलिटिक्स को लेकर, कि इसके बहुत ज़्यादा हाई फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए। पहली बार इसको क्रिमिनलाइजेशन ऑन पॉलिटिक्स को पहली बार इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग बिहार इलेक्शंस के अंदर, जो कि अक्टूबर 2020 में होने वाले हैं। तो सारा का सारा मसला है क्या, ये एक जजमेंट पास किया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस के अंदर, जो कि फाइल किया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इंडिया में। एक पिटीशन थी, वो ये क्लेम कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी ऐसे मेजर स्टेप्स नहीं लिए ये इंश्योर करने के लिए कि जो 2018 का जजमेंट आया था उसमें ये कहा गया था कि बहुत मैंडेटरी होगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो अपने जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनके जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं स्पेशली जो लेजिस्लेशन में आ जाते हैं उन सबको डिक्लेयर करें। तो इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से डिस्प्ले करें, और ये जजमेंट दी गई थी। तो इसी कारण इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके प्रति एक जजमेंट पास करने की बात की गई है। पेटिशर्स ने आर्ग्यू किया है कि जो पार्टीज़ हैं ना वो सर्कमवेंट कर रही हैं। सर्कमवेंट का मतलब क्या हो रहा है कि बातों को इधर उधर घुमा रही हैं, ठीक है, कोई ना कोई नई ऑब्स्टेकल लाने की कोशिश कर रही हैं। जो 2018 का जजमेंट आया था जिसमें ये था कि पब्लिश करनी है आपको सारी की सारी डिटेल कैंडिडेट्स की, स्पेशली जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है, इन ऑब्स्क्योर एंड लिमिटेड सर्कुलेशन न्यूज़पेपर्स मेकिंग द वेब पेजेस ऑन देयर वेबसाइट डिफिकल्ट टू एक्सेस। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, लिमिटेड सर्कुलेशन कर रहे हैं इन चीज़ों का, ठीक है, और अपने पेजेस को इस तरीके से बना रहे हैं इनके बारे में जो डिटेल्स है ताकि वो ईजिली पब्लिक को एक्सेसिबल ना हो पाए। कंसर्न की क्या बात है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को ये कहा था कि भैया देखो ये जो जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स के अंदर जो ये MLA MPs होते हैं ना, इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है इसका डेटा दिनों बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करते हैं पेंडिंग केसेस की, 2004 में 24% इस तरह के MPs थे जिनके क्रिमिनल केसेस थे, वो इंक्रीज़ होते होते 2019 तक 43% हो चुके हैं, ठीक है। 2018 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट पास किया था, ठीक है, उसमें कहा था कि रैपिड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय मेयरली डिस्क्वालीफाइंग द टेंटेड लेजिस्लेटर बट शुड बिगेंस बाय क्लीनसिंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो कहने का मतलब देखो, ये लाइन बड़ी अच्छी है, आई थिंक इसको आप वे फॉरवर्ड जो कंक्लूजन पार्ट होता है ना वहाँ पर लिख सकते हो। तो ये था कि किसी भी क्रिमिनलाइजेशन को पॉलिटिक्स से आप अरेस्ट करके या फिर उसको जेल में डाल करके, टेंट करने का मतलब होता है उनको निकाल करके, ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते होगे, ठीक है। आपको किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए ना बेसिकली अंदर से इंटरनल क्लीनसिंग करनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो नो पॉलिटिकल पार्टी ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन, कि कोई भी जस्टिस नरीमन ने 13 फरवरी को ये कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है कि उनका कोई भी जो कैंडिडेट होता है उसके इतने सारे पेंडिंग क्रिमिनल केसेस होते हैं लेकिन फिर भी वो इलेक्शन लड़ता है, वो उसको एक पोजीशन दिलवाते हैं, इसका क्या सीन है। जजमेंट क्या था, कोर्ट ने पूछा था ये सभी पार्टीज से स्टेट की कि क्या रीज़न, जो भी आपका रीज़न है इस तरह के सिलेक्शंस का, कि आप बाकी इंडिविजुअल्स को जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उन सबको सेलेक्ट नहीं कर रहे हो लेकिन क्रिमिनल वालों को रिकॉर्ड को कर रहे हो, इस सब का जस्टिफिकेशन दो। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा सब करने से फेल कर जाती है तो उनको कोर्ट का जो कंटेम्प्ट होगा उसको फेस करना पड़ेगा। तो डायरेक्शंस क्या इशू की थी कोर्ट ने, कोर्ट ने ये डायरेक्शन इशू की थी कि बहुत मैंडेटरी होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो सारे डिटेल्स पब्लिश करें रिगार्डिंग जो भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनके चूजन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट, ना कि सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर में लेकिन उनकी वेबसाइट के ऊपर भी और सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी। इसके अलावा
उन लोगों को डिटेल्स वो भी बतानी पड़ेंगी जो भी पेंडिंग केसेस है पार्टीज के, ठीक है, और उसके रीज़न क्या है, आपने इस तरह के कैंडिडेट को जिसके ऊपर पेंडिंग क्रिमिनल केसेस उसको क्यों सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को क्यों नहीं सेलेक्ट किया जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं चल रहा है, ये रीज़न आपको देना पड़ेगा। द रीजन्स गिवन फॉर सेलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स हैव टू बी विद रेफरेंस टू द क्वालिफिकेशंस। अब आपके रीजन जो है उसके क्वालिफिकेशन बेस के ऊपर होने चाहिए, उसने क्या अचीवमेंट है, उसको क्यों क्वालिफाई करता है इस पोजीशन के लिए, उसका मेरिट क्या है, ठीक है, और एंड नॉट मेयर विनेबिलिटी एट द पॉल्स। इसलिए नहीं कि ये जीत गया है पॉल्स के ऊपर या जीत सकता है, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। अचीवमेंट दिखाओ, उसके क्वालिफिकेशन दिखाओ, और बाकी जिसको नहीं कर रहे उसके कंपेरिजन उनके अचीवमेंट दिखाओ, उनके क्वालिफिकेशन दिखाओ, ये सारे के सारे बेसिस उन्होंने पूछने की बात की थी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वो क्या बोलता है इसके अंदर, तो पहले इसमें डायरेक्टली यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का, वो डिस्क्वालीफाई करता है किसी भी पर्सन को जिसको 2 साल तक के लिए दोषी करारा जा चुका है, कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी करारा जा चुका है और उससे ज़्यादा, तो उसको इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करने दिए जाएंगे, लेकिन जिनका अंडर ट्रायल चल रहा है वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं। अब देखो मेन रीजंस फॉर क्रिमिनलाइजेशन, यहाँ पर तो उन्होंने 3 शब्द लिख दिए बहुत छोटे छोटे, ये अपने आप में पूरे का पूरा मेंस का एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, दैट्स इट, इतना से लाइन के बन जाएगा। एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बस 2 लाइनें बनेंगी और आपका मेंस का क्वेश्चन रेडी है। तो वहाँ पर आपको करप्शन कैसे हो रहा है, वोट बैंक कैसे जीतते हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस कैसे, ऑल दिस थिंग्स यू नीड हैव टू एक्सप्लेन। What is the way out now? किस तरीके से इन सबको रोका जा सकता है, इन सबसे बचा जा सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज को खुद ही ऐसे लोगों को टिकट देने से रिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को और अमेंड करना चाहिए ताकि इस तरह के लोगों को डिबार किया जा सके, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, स्पेशली उनके अगेंस्ट जिन लोगों के पीछे बहुत हीनियस क्राइम वाले केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर और पेंडिंग भी पड़े हों। हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो टेंटेड लेजिस्लेचर्स हैं उनके ऊपर बहुत क्विकली कोई कार्यवाही की जा सके। कैंपेन फाइनेंसिंग जो होती है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। कैंपेन फाइनेंसिंग का मतलब समझते हैं ना, इलेक्शन आने से पहले जो रैली वगैरह निकालते हैं, जो प्रमोशन करते हैं, उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से आ रही है, उसका पैसा इतना कहाँ से आ रहा होता है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर होनी चाहिए कि वो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबके फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट कर सके। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो 2004 के अंदर 24% मेंबर्स थे पार्लियामेंट के जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस थे, 2009 में 30%, 2014 में 34% और 2019 के अगर हम बात करते हैं तो 43% के आसपास एमपी जैसे हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द इंस्टा लिंक्स, प्रीलिम्स लिंक, सेक्शन 8 डन, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस डन, ECI कंपोजिशन एंड फंक्शन वी विल डू, CEC अपॉइंटमेंट वी विल डू, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स वी विल डू। एक बार थोड़ा सा बेसिक भी जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, पूछा नहीं है लेकिन अच्छा टॉपिक है, बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनमस है और कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है। ऑटोनमस का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे इसके डिसीजंस होते हैं, मोस्टली जो इसके डिसीजंस होते हैं वो अपने खुद डिफाइन करते हैं किस तरीके से लोग प्रोसीड करना चाहेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मतलब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन था, ठीक है। एक होता है स्टैचुएटरी बॉडी, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है, स्टैचुएटरी का मतलब होता है कि एक्ट पास करके उसे बनाया गया था। तो यूनियन के अंदर सेंटर लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर किसी भी टाइप के इलेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, उन सबके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, किसी के भी जो इलेक्शंस होते हैं वो सबके सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 615 के अंदर जो भी इलेक्शंस के बारे में बात की गई है वहाँ पर ही मेंशन किया गया कि इस तरह का कमीशन एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था। आर्टिकल 324 से लेकर 329 जो हैं वो इन सारे के पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी, इन सब के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में हमें बात करनी थी, तो ओरिजिनली जो कमीशन था उसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1989 के बाद, उसमें कि उसके बाद इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। कमीशन के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ध्यान रहे कन्फ्यूज ना हो। सेक्रेटेरिएट इनका सचिवालय जो है वो न्यू दिल्ली में है, अगर आप लोगों को पता हो तो जो बंगला साहिब है उसके पास में इनका सेक्रेटेरिएट है। स्टेट लेवल के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जो हेल्प की जाती है वो करते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिनकी रैंक होती है IAS के लेवल की होती है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को, उनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है 6 साल का या फिर जो 65 ईयर्स की है, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा। वो सेम स्टेटस एंजॉय करते हैं और सैलरी पर्स वो जो कि सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है रिमूवल का, जो कि सिमिलर होता है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू अबाउट द क्या खुल गया ये जस्ट अ सेकंड दिस वन
अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, स्पेशली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह होते हैं उन सबके रिगार्डिंग, तो ये जो डिमांड थी पहली बार रेज की गई थी 1990 के अंदर दिनेश गोस्वामी कमेटी के द्वारा कि देर इज़ अ नीड फॉर अ सिलेक्शन कमेटी और पैनल जो कि अपॉइंट करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उस समय पर ECI जो था वो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था। तो उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था 1990 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, जिसमें डिमांड की गई थी कि एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे दोनों हाउसेस के, ऑपोजिशन के लीडर होंगे लोकसभा से, और लेकिन पॉलिटिकल विल की कमी के कारण, लैक के कारण ये बिल जो था ये पास नहीं हो पाया और ये विड्रॉ कर लिया गया था 1993 के अंदर। टिल डेट ऐसा कोई बिल फॉर्म नहीं किया गया है। अगर हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो USA, साउथ अफ्रीका, कनाडा, वहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है आउटसाइड कंसल्टेशन के लिए, एक एक्सपर्ट बॉडी होती है जो इस तरह के सूटेबल अपॉइंटमेंट्स को सेटअप करती हैं। तो फिर हमारा प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। देर इज नो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर कि किस तरीके से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करोगे और इलेक्शन कमीशन का करोगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस रूल जो प्रेजिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन को बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन जो कि करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसलिए ये एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेजिडेंट की कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। हाउएवर, लेकिन आर्टिकल 325 क्लोज 5 के मुताबिक पार्लियामेंट के पास पावर हो सकती है कि वो रेगुलेट कर सकता है कि जो भी टर्म्स और कंडीशन होंगी इनके सर्विसेज की और टेन्योर की इलेक्शन कमिश्नर की। इट इज अंडर द आर्टिकल दैट द पार्लियामेंट हैज मेड लॉज टिल डेट एंड नॉट अंडर आर्टिकल 324 क्लोज 2 इन विच पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ सिलेक्शन कमेटी फॉर द रेगुलेटिंग एंड अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब हमारे पास रेगुलेटिंग कमेटी नहीं है, उसके बारे में मेंशन है 324 क्लोज 2 के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट उनको एक रिकमेंडेशन दे सकता है, उनकी कंडीशन वगैरह सेट कर सकता है। इसके रिगार्डिंग जो क्लॉज है वो है 324 का क्लोज 5। तो ये दोनों में डिफरेंस बहुत आपको ईजिली पता होना चाहिए, कहीं दिक्कत ना हो जाए आपको। Now we have WHO declares Sri Lanka Maldives measles free. This is covered under issues related to health. WHO ने कहा है कि measles और rubella जो हैं वो completely eradicate किए जा चुके हैं श्रीलंका और मालदीव से। ये पहले दो countries बन गए हैं WHO के South East Asia region के जिन्होंने measles और rubella का elimination जो है अपने estimated target 2023 से पहले ही achieve कर लिया है। तो कब एक कंट्री को आप कम्प्लीटली डिक्लेयर कर सकते हो कि उन्होंने किसी भी डिजीज़ को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर लिया है? एक कंट्री को वेरीफाई किया जाता है कि उन्होंने एलिमिनेट किया है मीजल्स को, रुबेला को, जब वहाँ पर कोई भी एविडेंस या फिर एंडेमिक जो एंडेमिक ट्रांसमिशन होता है उसका कोई एविडेंस नहीं होता है मीजल्स रुबेला का पिछले 3 सालों के अंदर, ठीक है। और एक पूरा वेल परफॉर्मिंग सर्वेलेंस सिस्टम होता है, सर्वेलेंस सिस्टम मतलब एक जाँच पड़ताल की जाती है प्रॉपर तरीके से। तो मालदीव ने रिपोर्ट किया था लास्ट एंडेमिक केस मीजल्स का 2009 में और रुबेला का उन्होंने किया था अक्टूबर 2015 में। और अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने लास्ट जो एंडेमिक केस बताया था मीजल्स का वो मई 2016 में था और रुबेला के बारे में लास्ट जो उन्होंने बताया था वो मार्च 2017 में था। अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो मेंबर कंट्रीज़ हैं WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के, उन्होंने सितंबर में लास्ट ईयर 2023 को एक टारगेट सेट किया था कि मीजल्स और रुबेला को एलिमिनेट करेंगे। तो इनको रिवाइज़ किया गया था गोल ऑफ फ्लैगशिप प्रोग्राम जो कि 2014 से था, इसका फोकस था कि मीजल्स और रुबेला को एलिमिनेट करना है और कंट्रोल करना है। भूटान, नॉर्थ कोरिया और ईस्ट तिमोर इन्होंने ऑलरेडी मीजल्स फ्री अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं पहले से ही। तो एलिमिनेशन की नीड क्यों है? देखो, एलिमिनेटिंग मीजल्स से क्या होगा कि 5 लाख डेथ्स होंगी ना 1 साल के अंदर, वो बच जाएंगे लोग, ठीक है। और रुबेला को अगर हम बात करते हैं तो 55,000 केसेस हैं जो रुबेला और प्रमोट करते हैं हेल्थ और वेलबींग ऑफ प्रेगनेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स। बेसिकली आप इतने सारे केसेस अगर आप बच जाओगे तो इतने सारे लोग होंगे इनिशियली, मतलब रुबेला वाली चीज़ जो ये प्रेगनेंट लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं। मीजल्स के बारे में अगर बात करते हैं, मीजल एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है। कंटेजियस का मतलब क्या होता है कि ये फैल जाती है, ठीक है। इट कैन गेट एयरबॉर्न ऑल्सो, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है बहुत ईजी। जैसे HIV की बात करते हैं, ठीक है, HIV हो गया, कैंसर हो गया, ये कंटेजियस डिजीज नहीं होती है, ये नॉन कंटेजियस कैटेगरी में फॉल करती है। मीजल जो होता है वो ट्रांसमिट हो सकता है इवन ड्रॉपलेट से भी, आपके नोज़ के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जैसे कोरोना वायरस है, ये कंटेजियस डिजीज़ है, ठीक है। माउथ हो गया, थ्रोट हो गया इन्फेक्टेड पर्सन के। सिम्टम्स किस तरह के आते हैं? यूजुअली 10% जब 10-12 दिन हो जाते हैं इन्फेक्शन के तो आपको हाई फीवर होगा, रनिंग नोज मिलेगा, ब्लड शॉट आइज होंगे, टाइनी वाइट स्पॉट्स जाते हैं जो माउथ के इनसाइड होता है वहाँ पर, और कुछ डेज बाद रैशेज भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है, जो स्टार्ट होते हैं फेस के और अपर नेक के रीजन से और फिर नीचे की तरफ बॉडी में स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो ये मीजल्स होते हैं। वल्नरेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो जो बहुत सारे मीजल्स होते हैं वो मोस्टली पुअरली नरिश्ड यंग चिल्ड्रन के अंदर देखे जाते हैं, स्पेशली जिनके अंदर विटामिन ए की इनसफिशिएंसी होती है और जिनका जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत वीक हो जाता है, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, फिर बाकी किसी डिजीज़ के कारण। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या होता है? ब्लाइंडनेस हो सकती है, एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है ना उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, तो डिसफंक्शनल हो जाता है वो।
सीवियर डायरिया हो सकता है और डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी आ सकती है, सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जैसे निमोनिया वगैरह हो गया। प्रिवेंट कैसे करेंगे? रूटीन मीजल्स की वैक्सीनेशन होती है बच्चों के लिए, जिसको हम कंबाइन करते हैं, इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स होते हैं कंट्रीज़ के अंदर, बहुत ही लो रूटीन कवरेज होता है, और की पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि ग्लोबल मीजल्स डेथ को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। प्रिवेंटिव एफर्ट्स की अगर बात करते हैं तो जो ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान है उसके अंडर मीजल्स और रुबेला जो इनको टारगेट किया गया कि एलिमिनेट करेंगे 5 WHO रीजन्स के अंदर 2020 तक। WHO इस पूरे के पूरे कैंपेनिंग का लीड टेक्निकल एजेंसी होता है जो सारी की सारी इम्यूनाइजेशन को, सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और हर एक कंट्री को सपोर्ट करता है इस गोल को अचीव करने में। मीजल्स के बारे में थोड़ा देख लिए, एक बार थोड़ा सा रुबेला के बारे में देख लेते हैं। ये एक बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है लेकिन इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर ये किसी प्रेग्नेंट वेमेन के थ्रू हो जाए, जिसके कारण CRS हो सकता है। CRS होता है कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम। कॉन्जेनिटल का मतलब क्या होता है? कॉन्जेनिटल मतलब होता है कि मदर से और बच्चे के अंदर जो ट्रांसफर हो जाता है ना, उसको कॉन्जेनिटल बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। CRS के अंदर बेसिकली जो एनोमलीज होती हैं वो फीटस के और न्यूबॉर्न बेबीज़ की आइज़ को अफेक्ट करेंगे, ग्लोकोमा हो जाएगा, कैटरेक्ट हो सकता है, सुनने की शक्ति जा सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है, ब्रेस के अंदर माइक्रोसेफली हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है, और हार्ट में डिफेक्ट आ सकता है, और ह्यूज सोशियो इकोनॉमिक बर्डन हो सकता है फैमिलीज़ के ऊपर, स्पेशली अगर आप एक मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हो तो। डिफरेंस बिटवीन मीजल्स रुबेला डन, ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान डन, डिफरेंस बिटवीन कंटेजियस और नॉन कंटेजियस मैंने आपको बता ही दिया था। हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स, वैक्सीनेशन वर्क्स का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। देखो समझो, मान लो ये पूरा का पूरा आपका वायरस होता है आपकी बॉडी में, एज्यूम कर लो, ठीक है, तो वैक्सीनेशन में क्या करेंगे, इस वायरस का ना एक बहुत वीक स्ट्रेन, एक छोटा सा स्ट्रेन लेकर के उसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। वो वीक स्ट्रेन होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन नहीं होता। तो जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर जो वीक स्ट्रेन होगा आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करेंगी, तो आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह का कोई वायरस है, वो फ्यूचर में भी आ सकता है, तो आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है उसको देख करके, एंड उसी टाइप की फिर वो एंटीबॉडीज जनरेट करती रहती है। तो फिर आपकी बॉडी में अगर वो वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट के अंदर या फिर फ्यूचर में अगर आ सकता है तो उसके अगेंस्ट उसको बॉडी को पता है, उसके पास एक मेमोरी क्रिएट हो चुकी है कि इस तरह का वायरस आएगा तो उसकी ऐसी एंटीबॉडीज क्रिएट करनी है। तो वैक्सीन इस तरीके से काम करती है। वैक्सीन बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि वो कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे यहाँ पर कि जहर को जहर ही काटता है, लोहे को लोहा ही काटता है। तो जैसे अगर किसी को कोई पॉइजन वगैरह चला जाता है ना बॉडी के अंदर, तो उसको उस पॉइजन का एंटीबॉडी देने के लिए एक्चुअल में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, कि उसी पॉइजन का बहुत वीक स्ट्रेन होता है, उसकी पोटेंसी होती है, एक्चुअल में उसका टर्म होता है पोटेंसी, बहुत वीक पोटेंसी का वही पॉइजन आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और उस वीक स्ट्रेन के लिए बॉडी जो है एंटीबॉडीज डेवलप करना स्टार्ट कर देती है, इम्यून सिस्टम जो होता है एंटीबॉडीज डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन काम करती हैं। WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के बारे में बताना है मुझे आपको, और कंपोजिशन ऑफ यूनिसेफ के बारे में बताना है, ठीक है। जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेड ऑफिस जो है हमारे न्यू दिल्ली में ही है, रीजनल ऑफिस साउथ ईस्ट एशिया का, और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के बारे में आपको, अच्छा इससे पहले रीजनल डायरेक्टर के बारे में भी जान लो, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, ठीक है। और कंट्रीज़ कौन सी आती हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश, भूटान, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते। अच्छा एक क्वेश्चन है, मैंने पहले भी पूछा था, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, कुछ लोगों ने नहीं दिया था, चलो दोबारा पूछता हूँ। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया किसको कहते हैं? नॉर्थ कोरिया को कहते हैं, साउथ कोरिया कहते हैं, फिर दोनों को कहते हैं? ये क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूँ, कुछ लोगों ने सही में करेक्ट जवाब दिया था और कुछ लोगों को पता ही नहीं था उसके बारे में, कुछ लोगों ने गलत दिया था, सो आप इसके बारे में जरा आंसर दीजिएगा। एंड देन वी हैड यूनिसेफ का कॉम्पोजिशन जो होता है, यूनिसेफ के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड होता है, स्पेशल प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि स्पेशली हेल्प एडिंग मतलब होता है हेल्प प्रोवाइड करता है हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और जनरल वेलफेयर के लिए बच्चों के लिए। हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1946 के अंदर इसको इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था UN रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि हेल्प कर रहा था उन बच्चों को जो वर्ल्ड वॉर टू से अफेक्टेड थे। यूनिसेफ एक परमानेंट पार्ट बन गया था यूनाइटेड नेशंस का 1953 के अंदर, इसका नेम को शॉर्ट करके यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कर दिया गया था, लेकिन अभी भी इसको यूनिसेफ की तरह से रेफर किया जाता है। यूनिसेफ को नोबेल पीस और प्राइज़ मिला था 1965 के अंदर टू प्रमोट ब्रदरहुड अमंग द नेशंस, इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, ये 190 कंट्रीज़ के अंदर 190 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं और 7 रीजनल ऑफिसेज हैं। एंड स्ट्रक्चर की अगर मुझे बात करनी थी, हाँ स्ट्रक्चर हमें देखना था, तो यूनिसेफ को गवर्न करता है एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसमें 36 मेंबर्स होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है 3 साल के लिए, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो UN इकोसोक होता है वहाँ से इनको 3 साल के लिए मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है। यूनिसेफ के जो 7 रीजनल ऑफिसेज हैं उनके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। अमेरिकन और कैरिबियन रीजन में वो पनामा में है, यूरोपियन सेंट्रल एशियन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन है बैंकॉक थाईलैंड में, ईस्टर्न और साउथ सदर्न अफ्रीकन रीजन है नैरोबी केन्या में। अच्छा मुझे एक बार ना एक ग्रुप के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर किसी एक ने मुझसे जिद करना था, उसने कहा था कि ये साउदर्न होता है,
साउथर्न होता है, साउथर्न प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। तो अब प्रोनाउंसिएशन का ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कुछ भी बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये सदर्न होता है, इसको सदर्न बोलते हैं, सदर्न, सदर्न, नदर्न, ईस्टर्न, और सिर्फ ये इसलिए प्रोनाउंसिएशन होता है, इसमें TH आ जाता है। तो अब उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जितना सबको जितना पता होता है उसका अकॉर्डिंग होता है। प्रोनाउंसिएशन का ना कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, बस एक नुकसान होता है प्रोनाउंसिएशन का कि अपॉर्चुनिटी चली जाती है आपकी, ये पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट कर जाता है कि आपको अवेयरनेस कितनी है इस लैंग्वेज के रिगार्डिंग। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो या फिर आप मैच्योर नहीं हो, कभी भी कुछ लोग होते हैं फंस जाते हैं इस बात में कि प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो आप मैच्योर नहीं हो, इंटेलिजेंट नहीं हो, बट इट्स ऑल सिंपली वन क्वेश्चन अबाउट कि योर अवेयरनेस रिगार्डिंग द लैंग्वेज, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देन वी हैव मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजनल ऑफिस विच इज़ इन अम्मान एंड जॉर्डन, साउथ एशिया का रीजनल ऑफिस काठमांडू नेपाल में है, और वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका रीजनल ऑफिस है वो डाकर सेनेगल में है। हर एक रीजन जो यूनिसेफ जहाँ पर सर्व करता है वहाँ पर एक नंबर ऑफ सीट्स होती हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, ताकि सारे के सारे रीजन्स वहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हमारे पास 36 नेशनल कमिटीज़ हैं पूरे ग्लोबली, और जिसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन और फंड रेजिंग करने के लिए हमारी हेल्प करती है और इन सारे के सारे राइट्स को प्रमोट करती हैं। नाउ वी हैव US विदड्रॉल फ्रॉम WHO, दिस इज़ कवर्ड अंडर इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इन इंडियन डायस्पोरा। यूनाइटेड स्टेट्स ने मई के अंदर ये अनाउंसमेंट किया था कि वो WHO की फंडिंग को रोक देगा, फिर उन्होंने अभी रिसेंटली ऑफिशियली इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया, इस प्रोसेस को, कि वो WHO से विड्रॉ करना चाहते हैं। देखो यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत जगह से विड्रॉ किया, ये यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया है, UNHRC से कर लिया है, ओपन स्काई ट्रीटी से निकलने की बात कर दी है, एक वो ट्रेड यूनियन था उससे बाद निकलने की बात कर दी है, कि पेरिस क्लाइमेट से विड्रॉ कर लिया था, बहुत सारी ऐसी लिस्ट है मतलब पूरी की पूरी, जहाँ जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद बहुत सारी चीज़ों से विड्रॉ कर लिया है। एंड अभी वो बात करें WHO से विड्रॉ करने की, तो बिल्कुल जो रिसेंट न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़, उसमें ये भी था कि जो WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स ऑल्सो, वो बहुत घबरा गए थे इस बात को लेकर कि कोरोना वायरस जैसी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही, ये पैंडमिक है एक, और पैंडमिक से डील करने के लिए सबका सपोर्ट चाहिए होता है। अगर US जैसी कंट्री से विड्रॉ कर लेगी तो हम लोग इससे फाइट नहीं कर पाएंगे, पूरा वर्ल्ड जो इससे फाइट नहीं कर पाएगा। सो ही गॉट इमोशनल इन फ्रंट ऑफ द प्रेस रिगार्डिंग दिस डिसीजन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जो इलेक्शन होने वाले ना नवंबर के अंदर, वहाँ पर जो उनके जो जो कंटेस्टर हैं जो बाइडन, उन्होंने ये कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट बन के आते हैं तो इस चीज़ को वो रिवोक कर देंगे, इनका जो जो डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप का कि WHO को छोड़ना है, वो उसको रिवोक कर देंगे और वो WHO का पार्ट बने रहेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द इलेक्शन, जब तक ये देख लेते हैं। 6 जुलाई को जो नंबर ऑफ कोरोना वायरस के केसेज और डेथ थे जो US के अंदर, वो 2.8 मिलियन केसेज हो गए थे और 0.13 मिलियन जो थी डेथ्स हो चुकी थी रेस्पेक्टली। और US का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका था, US ने यूनाइटेड नेशंस को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया था कि हम लोग अपनी मेंबरशिप विड्रॉ करना चाहते हैं WHO से। ये बात तब हुई थी जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था 29 मई को कि उनका एक डिसीजन है कि वो फंडिंग रोक देना चाहते हैं और इस ग्लोबल हेल्थ बॉडी से पुल आउट करना चाहते हैं। इस तरह का डिसीजन उन्होंने क्यों लिया है, बहुत सिंपल सा रीज़न उन्होंने लिया है कि उन्होंने बोला है कि WHO जो है वो चाइना सेंट्रिक बनता जा रहा है, चाइना को फेवर कर रहा है, इतना बड़ा पैंडेमिक है, तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ ब्लेमिंग चाइना फॉर द कॉज ऑफ द दिस कोरोना वायरस COVID-19 डिजीज़ एंड द मेन रीज़न बिहाइंड दिस पैंडमिक। तो और WHO ने चाइना के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन स्टेप नहीं लिया अभी तक, कोई ऐसा डिसीजन भी नहीं लिया कि चाइना ने इतनी बड़ी इशू जो था हम लोगों से काफ़ी टाइम तक छुपा के रखा, तो ये नाराज़गी है डोनाल्ड ट्रंप की, इसलिए वो विड्रॉ करना चाहते हैं। इम्प्लीकेशंस की बात करते, बहुत कैप्रीशियस डिसीजन है उनका इस WHO से विड्रॉ करने का, और इसके बहुत सारे हार्मफुल और डायर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को लेकर। US को जब विड्रॉ करेगा तो एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्लो होगा WHO को, स्पेशली टेक्निकल एक्सपर्टीज और फंडिंग के मामले में 450 मिलियन US डॉलर के आसपास का इनको नुकसान होगा। WHO अभी WHO को अपना कंट्री का जो वोटिंग राइट्स हैं वो सस्पेंड करने पड़ेंगे, ठीक है, उनकी सर्विसेज और उनको जो भी राइट्स हैं वो सब डिनाई करने पड़ेंगे, जो कि Article 7 में WHO के कॉन्स्टिट्यूशन में मैंचनड है। WHO के बारे में बात करते हैं, WHO 7 अप्रैल 1948 को स्टार्ट हुआ था और इसी दिन को ये लोग वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं क्योंकि इस दिन से ये स्टार्ट हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन के पास 7000 प्लस वर्किंग पीपल है, 150 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स के जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है। WHO गवर्न कैसे किया जाता है, WHO की असेंबली होती है, डेलीगेशंस होते हैं सारे मेंबर कंट्रीज़ के, वो डिटरमाइन करते हैं क्या क्या पॉलिसी होंगी ऑर्गेनाइजेशन की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है उसमें मेंबर्स होते हैं टेक्निकली क्वालिफाइड जो हेल्थ में होते हैं, और वो सारे के सारे डिसीजंस को, पॉलिसीज को हेल्थ असेंबली को एग्जीक्यूट करते हैं। कोर फंक्शन होता है कि जो भी इंटरनेशनल हेल्थ वर्क है उन सबको कोलैबोरेट करके आपस में डायरेक्ट करना और कोऑर्डिनेट करना। तो WHO की फंडिंग कैसे होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देर आर 4 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन दैट मेक अप फंडिंग फॉर द WHO। फर्स्ट इज असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो ड्यू कंट्री पे करती हैं एज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो अमाउंट ईच कंट्री जो पे करती है वो कैलकुलेट किया जाता है कंट्री की वेल्थ क्या और पॉपुलेशन क्या, तो उसके हिसाब से एक रेशियो फिक्स किया जाता है।
फिर होती है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि आती है मेंबर स्टेट से ही। इन एडिशन जो भी उनकी एसेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, एसेस्ड का मतलब होता है कि इतना तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपकी इतनी अर्निंग है, आपकी कंट्री की GDP इतनी है, ये बाकी चीज़ें इतनी, इकॉनमी ये है आपकी और आपकी इतनी पॉपुलेशन है। देन ये है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, अपनी चॉइस से आप दे सकते हो, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होती हैं। और फिर आती कोर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये थोड़ी सी लेस वेल फंडेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बेटर फ्लो होता है रिसोर्सेज के लिए और इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत ईज होता है, स्पेशली जब इमीडिएट फाइनेंसिंग लैग कर रही होती तब ये चीज़ें हेल्प करती हैं। फिर एक आता है पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयरनेस कॉन्ट्रीब्यूशन, ये स्टार्ट किया गया था 2011 के अंदर ताकि जो भी इन्फ्लुएंजा वायरस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे, जो भी डिटेल्स थी, स्पेशली जब ह्यूमन पैंडेमिक था उसका जो पोटेंशियल था, उस सबको इम्प्रूव करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए। और प्रोवाइड कौन से आएगी फंडिंग? डेवलप्ड कंट्रीज़ से। अगर हम बात करते हैं अभी तक के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स का ही आता है, करंटली 14.67% होता है, 553.1 मिलियन $ के आसपास फंडिंग देता है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद फॉलोअर्ड में आता है बेल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो कि 9.76% देता है, विच इज़ 367.7 मिलियन $। थर्ड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो गैवी वैक्सीन अलायंस है, इसका 8.39% आता है। इसके अलावा UK है फिर 7.79% पे, और फिर जर्मनी आता है 5.68% पे, फोर्थ और फिफ्थ पे रिस्पेक्टिवली। जो फोर नेक्स्ट बिगेस्ट डोनर्स होते हैं इंटरनेशनल बॉडीज़ के, उसमें यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस आता है फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स 5%, वर्ल्ड बैंक 3.42, रोटरी इंटरनेशनल 3.3। सारे याद करने की जरूरत नहीं, इंडिया वाला याद कर लो और टॉप के थ्री याद कर लो। तो इंडिया का आता है 0.48% और चाइना का भी बहुत इंपॉर्टेंट है 0.21%। ये आई थिंक मुझे लगता है आपको ये याद होना ही चाहिए इतना पार्ट। तो मूविंग ऑन टू द प्रीलिम्स क्वेश्चंस, WHO की गवर्नेंस देख लिया, टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन देख लिया, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर देख लिया, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे देख लिया, व्हाट इज गैवी GAVI ये मैं आपको दिखा देता हूँ। गैवी ऑफिशियली जो वैक्सीन अलायंस है, और इससे पहले इसको ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन बोला था, एक पब्लिक और प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है जिसका गोल है इम्यूनाइजेशन पुअर से पुअर कंट्रीज तक रीच करनी चाहिए। गवीज़ के अंदर क्या होता है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं और जो डोनर गवर्नमेंट होती है, उन सबको आपस में कनेक्ट करना, किसके थ्रू? WHO के थ्रू, यूनिसेफ के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू। और जो वैक्सीन इंडस्ट्रीज़ होती है ना, दोनों ही इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, उन सब में रिसर्च को सपोर्ट करना, टेक्निकल एजेंसीज़ को, सिविल सोसाइटीज़ वगैरह को। 2000 ईयर में ये इसको फाइंड आउट किया गया था, और इसका फोकस होता है वैक्सीन प्रोवाइड करना ह्यूमन डिजीज़ के अगेंस्ट। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट GAVI जो गैवी है, ये एक ऑब्जर्वर स्टेटस है इसके पास वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, और गैवी को बहुत बार प्रेज भी मिला है अपने इनोवेटिव और इफेक्टिव और लेस ब्यूरोक्रेटिक देन मल्टीलेटरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक WHO के थ्रू। और बहुत ही क्वालिफाइड और पॉलिटिकली अपीनिंग, ईजी टू एक्सप्लेन रिजल्ट्स होते हैं इनके, एंड इट इज़ गोइंग टू बी फ्यूचर में भी, अभी सब स्पेशली COVID-19 के अंदर भी जब हमारी वैक्सीन रेडी होकर आती है तभी गैवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। नाउ वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड द मालाबार एक्सरसाइज, दिस इज़ कवर्ड अंडर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। मालाबार एक्सरसाइज आपको पहले पता होना चाहिए, एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी पहले इंडिया और US के बीच में, ठीक है, 1992 से स्टार्ट हुई थी, और 2015 में इसमें जापान ने ज्वाइन कर लिया था, फिर ये ट्राइलेटर बन गई थी, ठीक है। अभी बात ये चल रही है कि इंडिया इज़ वॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट बने मालाबार एक्सरसाइज का, और इसको एक क्वाड कोलिशन बनाना चाहते हैं। क्वाड का मतलब होता है चार, क्वाडकॉप्टर भी होता है ना, उसके फोर विंग्स होते हैं, और बीजिंग यानी कि चाइना इसको बहुत टाइम से अपोज कर रहा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर पूछ लूँ आप लोगों से, बीजिंग का पहले क्या नाम था और कौन से ईयर में इसका नाम चेंज होकर बीजिंग बना था? इसके अलावा जापान और US हैं वो भी बहुत कीन है कि कैनबरा, अब कैनबरा का इंक्लूजन तो आप समझ गए होंगे ना, कैनबरा का ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या कनेक्शन है? अगर मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा तो आई थिंक यू सीरियसली नीड टू रीड मोर पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। तो बहुत टाइम से इंडिया भी इस चीज़ को पुश कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया जाए, तो प्रोसीजर वगैरह जो फॉलो किया जा रहा है। और क्वाड ग्रुपिंग क्या होगी? क्वाड ग्रुपिंग के अंदर हो जाएगा जापान, इंडिया, US और ऑस्ट्रेलिया। चारों नेशंस का बहुत कॉमन ग्राउंड है, डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट है, और अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी की बात है। आइडिया को पहली बार मूट किया था जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने 2007 में। अब ये बात बड़ी सोचने की है, जब जापान 2015 में इसका मेंबर बना था तो 2007 में जापान ने कैसे सेटअप किया था? देखो, 2007 से 2009 तक ना जापान था और एक दो कंट्रीज और थे, ये सिंगापुर वगैरह था, ये सब भी मालाबार के नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, ठीक है। लेकिन जब चाइना ने इसको बहुत ही अपोज किया था तो इंडिया ने थोड़ा सा चाइना को फेवर करते हुए इन सब के साथ वो नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो थी मालाबार एक्सरसाइज में वो ख़त्म कर दी थी। लेकिन बाद में चाइना ने अपना एग्रेशन जो था वो ख़त्म किया ही नहीं इंडिया के साथ, चाइना कैप्ट ऑन बीइंग अग्रेसिव टुवर्ड्स इंडिया, तो इंडिया ने उसके बाद में जापान को ऐड करा लिया 2015 के अंदर, और अब
इंडिया बात कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें ऐड किया जाए, जिसको ऑब्वियसली बात है चाइना अपोज कर रहा है। चाइना को ये डर है कि चार मेजर फोर्सेस की जो कोई नेवल एक्सरसाइज अगर इधर होती है तो इंडियन पैसिफिक रीजन के अंदर और इंडियन ओशियन हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, इन सब के अंदर चाइना की जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। इस ग्रुपिंग की अगर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है माइंड लैग की कंट्रीज़ के लिए, तो ये अपनी सारी भी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो कोलेबोरेशन से जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आपस में शेयर करेंगे, इनका एक शेयर एक विजन है ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक के लिए। ये वन ऑफ द मेनी एवेन्यूज है, इंट्रैक्शन है, जहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस जो हैं ये दे आर नॉट सीन टू बी इन एक्सक्लूसिव कंटेंट। नाउ वी हैव रेवा सोलर प्रोजेक्ट जीएस पेपर 3, दिस इज कवर्ड अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एशिया का लार्जेस्ट 750 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है। इसकी लोकेशन रेवा में है, विच इज़ इन मध्य प्रदेश। इस सोलर पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड RUMSL ने, एक जॉइंट वेंचर कंपनी मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड MPUVN और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सिग्निफिकेंस क्या है इस रेवा प्रोजेक्ट के बारे में, तो एक बहुत ही रॉबस्ट स्ट्रक्चरिंग और इनोवेशन है। इसके जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ताकि जो भी पावर डेवलपर्स का जो रिस्क है उस सबको रिड्यूस करने के लिए उसको रिकमेंड किया गया कि एक मॉडल है, तो कि अनदर स्टेट्स बाय MNRE। और इन्होंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेजिडेंट्स अवार्ड है इनोवेशन और एक्सीलेंस वो भी इनको मिला था, और इनका जो नाम था वो इंक्लूड किया गया था ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग्स, इसको रिलीज़ किया था प्राइम मिनिस्टर ने। प्रोजेक्ट इज ऑल्सो द फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो सप्लाई करेगा इंस्टीट्यूशनल कस्टमर आउटसाइड द स्टेट। दिल्ली मेट्रो हो गया, जिसके पास 24% एनर्जी जाएगी प्रोजेक्ट की, और जो रिमेनिंग 76% है वो प्रोवाइड की जाएगी स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन कंपनीज को। डिस्कॉम मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मध्य प्रदेश की, जो पावर जनरेटिंग जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज होती हैं। प्रोजेक्ट ऑल्सो एग्जाम्पलीफाइज इंडियाज कमिटमेंट टू अटेन जो टारगेट हमारा इंडिया का 175 गीगावाट एनर्जी को टारगेट अचीव करने का, इसका 2022 तक, और उसमें इंक्लूड करेंगे 100 गीगावाट सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी। तो ये प्रोजेक्ट उस सबको भी अचीव करने में हेल्प करेगा। तो ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है बिल्कुल, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं आपको मेन स्पेसिफिक, बट यू नीड टू कीप दिस इन माइंड।